Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to complete chapter number 3 of class 10, that is metals and non-metals. This is our 10th class ki first unit ka chapter number 3 hai. So aaj hum is chapter ko wind up karne wale hain because ye last part hai is chapter ka jo hum log cover karne wale hain. ठीक है, हम इसके 5 parts कर चुके हैं. हमने एनसीईआरटी बुक को लाइक कंसिडरिंग एनसीईआरटी बुक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक एंड प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस एंड रीड योर एनसीईआरटी बुक एंड यू विल गेट थ्रू योर पेपर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर लेफ्ट अंडर द दिस पार्ट. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हम लोग वैसे कर चुके हैं. So you all know, अगर आप इसको देखें, हम ये कर चुके हैं. ये हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं सबके साथ, देन नॉन मेटल्स की कर चुके हैं सबके साथ. सो इट्स जस्ट अ रेपिटेशन की एक कंपैरिजन में अगर आपको पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने ये एक पार्ट अलग से बना लिया ताकि एक रिकॉल भी हो जाए. और ये थोड़ा सा टफ था आप सबके लिए करना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. तो ये हम इसको रिपीट कर लेते हैं इस वीडियो में ताकि ये आपको अच्छे से कवर हो जाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first is chemical properties of metals and non-metals with oxygen. Oxygen की बात करते हैं, ठीक है? तो जब metals, अगर हम metals और non-metals oxygen के साथ react करते हैं, तो how do they behave? तो सबसे पहले हम लोग metals की बात कर लेते हैं. जब metals oxygen के साथ react करते हैं, तो वो क्या करते थे? अपना oxide बना लेते थे. And metals जो हैं, वो basic in nature. Metal जो oxides, हमने बात की थी ना, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, आयरन जो हो गया हमारा मेटल हो गया, जब वो पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो व्हाट डज हैपन? रस्टिंग. सो वो एक अपनी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको रस्ट बोला जाता है. ठीक है, सो इस रस्ट को प्रिवेंट, इससे बहुत नुकसान होता है हमें एवरी ईयर. So, इसके लिए स्पेशल इंजीनियरिंग भी चल रही है कि हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. सो देयर आर सम मेथड्स व्हिच आर ऑलरेडी बीन इन यूज टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्ट. सो वन सच मेथड इज गैल्वेनाइजेशन, व्हिच इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड व्हिच वी हैव डन ट्वाइस, वन इन द लास्ट चैप्टर एंड वन इन दिस चैप्टर इन द लास्ट वीडियो. सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ द आयरन आर्टिकल विद जिंक टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि वो करोड ना हो. देन इज अनदर मेथड इज बाय पेंटिंग. पेंट कर सकते हैं आप उसके ऊपर, उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर सम अदर मेथड्स व्हिच कैन बी डन टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड. सो हियर वी आर डूइंग मेटल, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अब आप देख लीजिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जब वो वाटर की कॉन्टैक्ट में आता है. ठीक है, सो बिकॉज सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर. सो इट इज बेसिक इन नेचर, तो वो रेड लिटमस से ब्लू को कन्वर्ट कर देता है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ये तो थी बात मेटल्स की. अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की. जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तब भी उनका ऑक्साइड फॉर्म बन जाती है. जब नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर है. मेटल ऑक्साइड्स जब बेसिक इन नेचर है तो नॉन मेटल्स उसके अपोजिट ही होंगे, तो वो एसिडिक इन नेचर. तो नॉन मेटल कौन सा ले लिया? सल्फर. जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड. सो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दोनों जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो उसकी अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, देन आप सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर. द सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर है. ठीक है, एसिडिक इन नेचर है. जब वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना देता है. अब कार्बन की बात कर लीजिए.
अनदर नॉन मेटल, जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. ओके, देन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन आ गई हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, किसके साथ, सॉरी something happened. Okay. तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे सेकेंड रिएक्शन किसके साथ आ गई, वाटर के साथ, वाटर के साथ. तो जो हमारे मेटल्स हैं, जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं. जैसे सोडियम मेटल की, सोडियम मेटल है, जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिब्रेट कर देगा और हीट रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जबकि नॉन मेटल्स जो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट जब वो एयर के साथ रिएक्ट कर चुके होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुके होते हैं, तो जब उनको पानी में स्टोर किया जाता है तो वो रिएक्ट कर जाते हैं और वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, then is third reaction, reaction of metals and non-metals with dilute acid, dilute acid. So dilute acid के साथ हमारे metals को react करते हैं, वो hydrogen gas liberate करते हैं और salt बनाते हैं. ठीक है, पर non-metals they do not react with dilute acid. metals की reaction आप देख लीजिए, zinc जब acid के साथ react करेगा तो zinc sulfate बना देगा और hydrogen gas को liberate कर देगा. Similarly, aluminium जो dilute acid के साथ react करेगा तो aluminium chloride बना देगा और hydrogen को liberate कर देगा. अब copper की अगर आप बात करें तो copper dilute sulfuric acid के साथ react नहीं करता, चाहे आप उसको heat भी करो. ठीक है, because it is a noble metal. Copper, silver और gold least reactive metals हैं, इसलिए इनको noble metals बोला जाता है और they do not react with acid. This is an exception. ओके, ये हम कर चुके हैं. Then reaction of metals and non-metals with the base. अब हम base की बात करें. जब metals base के साथ react करते हैं तो hydrogen gas बनाते हैं और salt form करते हैं. तो aluminium जब sodium hydroxide के साथ बना तो sodium aluminate बना दिया, उसने salt बना दिया और hydrogen gas liberate कर दी, है ना. metals जब hydrogen gas के साथ base के साथ react करते हैं तो वो hydrogen gas release out करते हैं और base बना देते हैं. Then last is the displacement reaction. So how does displacement reaction work? Displacement reaction क्या करता है? जो higher reactive element होता है वो lower reactive element को displace कर देता है, खुद उसकी position पे लग जाता है और उसको निकाल देता है वहां से. ठीक है, so this is what happens. जैसे कि आपके घर में को let's see this only single displacement reaction. जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, आप देखिए जो ज्यादा रिएक्टिव, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, अगर हम नीचे सिल्वर ले लें, गोल्ड ले लें, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये आएगा, अगर इसकी रिएक्शन हो रही होगी ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना, खुद उसकी जगह पे लग जाएगा और इसको अकेले निकाल देगा. सो दिस इज वॉट हैपन्स इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So I was taking an example of home, like when you are staying in a home, ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हैं, but एक कोई बाहर से कोई मेहमान आते हैं, but they are more stronger than you, तो क्या करेंगे, आपको वहां से निकाल दिया, खुद आपकी जगह पे रहने लग गए और आप बेघर हो गए. So this is what happens in a single displacement reaction. So that was just an example, okay? So when metal A is more reactive than metal B, so metal A उसकी जगह पे लग जाएगा खुद और बी को अकेले कर दे. सो एल्युमिनियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो खुद कॉपर की जगह पे आ जाएगा और कॉपर को लिबरेट कर दे. सो दिस इज व्हाट हैपेंड बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो with this topic we are done with your chapter number 3, metals and non-metals. And I'm keep on reminding you, please go through your NCERT book after watching these videos and practice these reactions. Okay,
by writing it down and go through this chapter once again. And if you like this video, please press the like button and share this video with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Goodbye.